तो देखिए YouTube पर सबसे पहले वीडियो अपलोड करने से पहले आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, और बनाने के लिए आपके पास इस प्रकार का एक फोन होना चाहिए। अब देखिए इसी फोन से मैं इनको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो वीडियो है वो बनाना है। तो सबसे पहले इनका मैं फोन का लॉक है उसको मैं खोल लेता हूं, और इनके फोन से जो स्क्रीन शॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो मैं ऑन कर लेता हूं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनका ऑन हो चुका। अब मैं आपको सिखाता हूं, इनको सिखाता हूं कि वीडियो कैसे बनाना है। तो देखिए यदि आप क्रिकेट के यूट्यूबर हैं, आपको क्रिकेट का वीडियो बनाना है, तो आपके मोबाइल में सबसे पहले कुछ ऐप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इनके ऐप में मैंने पहले से, इनके मोबाइल में मैंने पहले से कुछ ऐप इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि इमेज सर्च मैन, क्रोम ब्राउजर, काइन मास्टर, वाइट स्टूडियो और पिक्सल ऐप। ये कुछ चार पांच ऐसे ऐप हैं जो कि एक यूट्यूबर के पास होना बहुत जरूरी है। इन ऐप से आप वीडियो बना पाएंगे, इन ऐप से आप अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड भी कर पाएंगे। तो फिलहाल मुझे वीडियो बनाना सिखाना है, तो उसके लिए आपके पास इमेज सर्च मैन सबसे पहले ऐप होना जरूरी है। तो जैसे कि मैं इमेज सर्च मैन ऐप इसको ओपन कर लिया है, जब इसको ओपन करोगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब देखिए जब इस प्रकार का इंटरफेस आता है तो आप जिस भी प्रकार का फोटो वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहां पे सर्च बार में जाना है, और जाने के बाद आपको किसी भी खिलाड़ी का फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टार्टिंग में विराट कोहली के कुछ फोटो चाहिए, तो मैंने यहां पर विराट कोहली के कुछ फोटो यहां पर डाउनलोड करने हैं। तो नाम लिखा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं विराट कोहली के काफी सारे फोटोज हैं, वो यहां पे आ चुके हैं। अब देखिए देवेंद्र जी, जो भी फोटो आपको यहां पे डाउनलोड करना है सबसे पहले उस फोटो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पे एक चीज आप सभी यूट्यूबर को बताना चाहता हूं कि फोटो आप उस प्रकार का डाउनलोड करें जो कि रियल हो, एकदम प्रैक्टिकल खेलता हुआ एकदम दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो रियल मैच का मजा लेना चाहती है, तो उसके लिए आपको रियल फोटो चाहिए होती है। जैसे कि नीचे की साइड में जाएंगे तो कोई एक ऐसा फोटो तो मिलेगा जिसमें विराट कोहली बैटिंग कर रहे होंगे, थोड़ा सर्च करेंगे। जैसे कि ये वाला फोटो है, इसमें एकदम बैटिंग में फोर या फिर सिक्सर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मान के चलो ये वाला फोटो है, आप डाउनलोड करना चाहते हो, उसके लिए डाउनलोड वाला आइकन है, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो देखिए डाउनलोड का जो आइकन है नीचे आ चुका है, यानी कि ये जो फोटोज है वो डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार आपको स्टार्टिंग में 7 से लेकर 8 फोटोज हैं उसको डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे आपको 7-8 फोटो है उसको डाउनलोड करके दिखा देता हूं। देखिए ये काफी प्रैक्टिकल फोटो है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, इस पर डाउनलोड वाला आइकन, उस पर क्लिक करके उसके बाद जो भी फोटो चाहते जिस सीरीज से रिलेटेड वो आपको सारे फोटोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये वाला फोटोज मैं और डाउनलोड करके यहाँ पे दिखा देता हूं, ठीक है। तो डाउनलोड के लिए फिर से ये जो डाउनलोड वाला आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली फोटोज आपके फाइल मैनेजर में जाके इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फोटो तो आपने डाउनलोड कर ली, लेकिन अब फोटो से वीडियो कैसे बनाओगे, प्रश्न ये उठ के आता है। तो इसके लिए देवेंद्र जी आपके पास होना चाहिए काइन मास्टर ऐप, मतलब वीडियो एडिटिंग ऐप होना चाहिए, चाहे वो काइन मास्टर हो या फिर आप वीएन ऐप का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं काइन मास्टर से इनको सिखाने का प्रयास करूंगा। काइन मास्टर स्टार्टिंग में नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, इनके लिए सबसे इजी ऐप है, इसका आप हेल्प ले सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। जब काइन मास्टर को ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है, इसके प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, और देखिए क्रिएट का ऑप्शन यहां पे आ चुका है, लेकिन इससे पहले काफी सारे फॉर्मेट यहां पे आ जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो 16:9 है ये लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, 9:16 है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, और जो 1:1 होता है ये फेसबुक के लिए, जो स्क्वायर शेप का आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो, वो बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो हमें लंबी वीडियो बनानी है, लॉन्ग वीडियो, तो 16:9 ले लेंगे। क्लिक वाला आइकन है, इस पर आप हमें क्लिक करना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो डाउनलोड आपने फोटो किए उन पर आपको क्लिक करना है। जैसे पिक्स पर मैंने क्लिक किया, यहां पर काफी सारे सर्च इमेज ऐप से आपने डाउनलोड किए फोटो यहां पे आ चुके हैं। अब देखिए जो जो फोटो आप यहां पर डाउनलोड किए वो आप लगा लेंगे, जैसे कि मैंने ये वाला फोटो लगाया, एक ये वाला फोटो लगाया, कुछ ये वाले लगाए, कुछ ये वाला फोटो लगाया। अब एक एक फोटो मैं यहां पे लगा लूंगा, ठीक है। ज्यादा आपको जितना लंबा आपको वीडियो बनाना है उतने फोटो यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ यहां पे ट्रांजिशन इफेक्ट और कुछ एडिटिंग्स में यहां पे करके दिखा देता हूं। देखिए आप यहां पे ये वाला फोटो देख सकते हैं, पूरा का पूरा उसमें आ रहा है, किसके अंदर, पूरा फुल स्क्रीन में आ रहा है। ये वाला फोटो देखिए कम स्क्रीन में आ रहा है, तो इसको फुल स्क्रीन में कैसे लाएंगे, इस वाले फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए पैन एंड जूम का कॉर्नर पर आपको एक आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोनों उंगलियों से आपको इस प्रकार इसको स्क्रैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो प्लस बराबर वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है,
उसके बाद ये फोटो आपका परमानेंट स्ट्रेच हो जाता है। वैसे आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सबसे पहले देख लेना है कि कुछ आधे अधूरे फोटो तो नहीं है। देखिए ये यहाँ पे आधा फोटो फुल नहीं आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर से पैन एंड जूम पर क्लिक करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे और बीच में इसको ले आएंगे, जिससे कि थोड़ा सा लुक इसका अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सारे के सारे जो फोटोज हैं इनको हम सेम टू सेम कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे तो ट्रेलर के लिए दिखाना है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो इसको भी मैं स्ट्रेच कर लूंगा। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार आ चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, इतना ये सीख चुके, अब देखिए केवल इतना ही नहीं हमने हमें इसमें करना, इसके लिए हमें कुछ यहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाने होते हैं। और ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लगाएंगे, अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो फोटोज होते हैं जूम इन जूम आउट होते हुए नजर आते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला फोटो, इसको हमें जूम इन जूम आउट करना है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पैन एंड जूम पर फिर से क्लिक करेंगे, और देखिए यहां पर स्टार्टिंग पोजिशन ये वाली है, यहां पर इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे, क्या कर देंगे, स्ट्रेच करके यहां पे छोड़ देंगे, और इसके बाद इसको प्लस वाले आइकन पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस प्रकार फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे स्ट्रेच करके बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड फोटो का भी हमें यही करना है, इस पर क्लिक करना है और पैन एंड जूम पर क्लिक करना है, ये जो बराबर वाला पोर्शन है इस पर हमें फिर से क्लिक करना है, और सिंगल पर हमें क्लिक करना है। हम जूम आउट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके हम फिर से इसको इस प्रकार यहां पे जूम आउट करेंगे यहां पे। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे फोटो पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, किसी पर जूम इन करेंगे, किसी पर जूम आउट करेंगे। इससे क्या होगा, जब फोटो हमारे सामने, वीडियो हमारे सामने चलेगा ना, तो इतना गजब का लुक आएगा कि आपको ही देख के मजा आ जाएगा कि हाँ कोई वीडियो है वो हमारे सामने चल रहा है। इससे फायदा क्या होता है, देखिए कोई भी जो ऑडियंस होती है ना उसको वीडियो देखने में एकदम मजा आना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़ता है, जितना ज्यादा क्वालिटी वाला फोटो लाएंगे। ठीक है, कुछ किसी पर हम जूम इन करेंगे, किसी पर हम जूम आउट करेंगे। ठीक है, सिंगल पर हम क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार यहां पे आ जाएगा। देखिए पूरा यहां पे सिंगल पर क्लिक है, इसको हम इस प्रकार जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं किस तरीके से जूम इन जूम आउट है, लेकिन प्ले करने से पहले मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, इस फोटो पर क्लिक करके आप इसकी लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए कम या ज्यादा कर रहे हैं तो जूम इन जूम आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो ट्रेलर दिखाना है तो मैं ज्यादा यहां पर वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो 5-10 मिनट का जितना भी लंबा आपको वीडियो बनाना है उतने ज्यादा फोटो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, और चाहो तो एक फोटो की लेंथ है वो भी यहां पर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो मैं हर फोटो की लेंथ है वो क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो देखिए इसका बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो इसकी घटा भी सकते हो, मुझे तो ट्रेलर दिखाना है तो मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद देखिए किस प्रकार यहां पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए जूम इन जूम आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जूम इन हुआ, ये जूम आउट हुआ, ये जूम इन हुआ और ये जूम आउट हुआ। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपने सीख लिया, यहां पर आपको कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाना आना चाहिए। यदि ट्रांजिशन इफेक्ट यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो एडिटिंग में कमी रह जाएगी, फिर ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, तो आपको ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लगाना, ये जो माइनस वाला जो पोर्शन है दो फोटो के बीच में जो गैप है इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर काफी सारे ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आ जाते हैं। फ्रंट ट्रांजिशन पर जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे, इसकी यहां पे जो टाइमिंग है वो भी यहां पे हम कम करेंगे, 0.5 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो इस पर 1 पर भी क्लिक कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी इसकी टाइमिंग रखना चाहते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, उसके बाद फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग प्रकार के यहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट है वो यहां पे हम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका हमने ट्रांजिशन इफेक्ट दे दिया, इस पर हमें देना चाहे तो इस पर भी हम दे सकते हैं, ये जो एरोप्लेन वाला ये भी दे सकते हैं, इस पर देना चाहोगे तो ये भी दे सकते हैं आप, जो भी आपको देना है उस प्रकार के ट्रांजिशन इफेक्ट है यहां पर आपको लगा देने हैं। ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है ये आपकी वीडियो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, इससे आपके चैनल पर जो ऑडियंस होती है उसका मन लगता है और आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करते हो अपने वीडियो के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं, देखिए कितना अच्छा लगता है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज हुआ है। हालांकि आप चाहो तो इसकी जो लेंथ है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो है उसको देखने में ऑडियंस का मजा आए। देखिए थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ है वो बढ़ा रहा हूं अभी, समझ पा रहे हैं देवेंद्र जी? हाँ जी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार काफी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसकी लेंथ है मैंने बढ़ा दी। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियोज है एक तरह से यहाँ पे प्ले करके मैं आपको दिखा रहा हूं,
अब देखिए इस प्रकार ये जो यहाँ पे जूम इन जूम आउट हो रहा है और एडिटिंग का कमाल आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग लेवल की बेसिक लेवल की जो एडिटिंग होती है वो इस प्रकार ही होती है। ठीक है, अब देखिए बेसिक लेवल की जो एडिटिंग है वो तो आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे नया जो क्वेश्चन निकल कर आता है कि वॉइस ओवर कैसे करें, क्योंकि इनको वॉइस ओवर करना भी नहीं आता। ठीक है, तो देखिए काइन मास्टर के अंदर वॉइस ओवर का इसके अंदर ही ऑप्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ऐप के दौरान ही इसको यहां पे चालू कर रखना चाहते हैं कि बाद में, तो हम ऐप के दौरान ही रखेंगे। देखिए स्टार्टिंग का यहां पे ऑप्शन आ चुका है, जैसे ही आप यहां पे स्टार्टिंग का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो वॉइस ओवर है यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं यहां पे करके दिखा देता हूं आपको, तो आप यहां पे देख सकते हैं जैसा भी आपको वॉइस ओवर करनी है, जिस स्क्रिप्ट के बेसिस पर आपको यहां पे वॉइस ओवर करनी है वैसे यहां पे वॉइस ओवर हो रही है। और ये जो वॉइस ओवर है जस्ट फोटो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपनी क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहां पर वॉइस ओवर होने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। आप चाहो तो इस वॉइस ओवर में कोई एडिटिंग भी कर सकती है, जैसे कि बाय द वे कभी कभी जब हम बोलते हैं वॉइस ओवर करते हैं तो कुछ शब्द हमारे गलत भी निकल जाते हैं या फिर फ्लुएंसी में हमसे कुछ छूट भी जाता है, तो उसको भी आप यहां पर कट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहां पर क्रॉप का देखिए स्प्लिट का ट्रिम का ऑप्शन आता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए सेंटर में करना चाहते हो तो इस पर क्लिक किया, देखिए बीच में से टूट चुका है। अब जितना भी पोर्शन आपको यहां पर कट करना है, मान के चलिए मुझे इतना करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में यदि हटाना है तो लेफ्ट पर क्लिक करना है, राइट साइड में हटाना है तो राइट पर क्लिक करना है, हमें लेफ्ट का हटाना है तो इस लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए हट चुका है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये सेव हो चुका है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल इसको यहां पर चिपका देना है, बिल्कुल पास में क्या कर देना है यहां पर चिपका देना है इसको। ठीक है, देखिए मैं यहां पर चिपका दूंगा इसको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल साइड में कर देता हूं, जिससे कि क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे साइड में, देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए इसको ये फुल लेंथ यहाँ पे हम यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हुआ कि आपकी जो वॉइस ओवर है वो एकदम कंटिन्यूटी में यहां पे आ चुकी है। समझ में आ गया? चलिए इतना समझ में आ गया। देखो इतना सब कुछ करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये जो आइकन यहां पे देख रहा है इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए सेव एज वीडियो, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये 1080 में फुल HD में ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। देखिए यहां पे सेविंग का ऑप्शन है आ चुका है, देखिए एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका वीडियो यहां पे बन चुका है। ये कहां पर मिलेगा, बैक आपको जाना है, यहां पे गैलरी का ऑप्शन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, देखिए बैक जाना है आपको, कहां है गैलरी का ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, इसमें वीडियो कहां आते हैं, वीडियो यहां पे कहां पर है, पीछे की साइड में होंगे, एक मिनट काइन मास्टर का, हाँ ये आ चुका, नहीं ये नहीं, ये फोटो है, इसमें काइन मास्टर का वीडियो कहां पर है इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वीडियो देखिए यहां पे आ चुका है। तो बस इतना सा करना है, इतना करने पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका जो वीडियोस है वो बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि मुझे तो डेमो के लिए ही दिखाना था। ठीक है, और भी कोई आपको डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट प्रश्न यहां पे निकल के आता है कि वीडियो को अपलोड कैसे करना है। तो देखिए अपलोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो यूट्यूब की एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपने वीडियो तो बना लिया, अब ठीक तरीके से अपलोड करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, गलत तरीके से अपलोड करोगे तो फिर वायरल नहीं होगा और ना ही उस पर व्यूज आएंगे। ठीक है, अब अपलोड करने के लिए आपको YouTube की एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको उस Gmail ID से आपको लॉग इन कर लेना है, जिस Gmail ID पर आपका चैनल है। आप कैसे चेंज करोगे, ये जो यू लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए इनका जो चैनल नया चैनल बिल्कुल 3 ही सब्सक्राइबर है देवू क्रिकेट के नाम से, इस पर मैंने लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद नीचे की साइड में यहां पे आप प्लस वाला आइकन यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है वीडियो अपलोड करने के लिए। देखिए जैसे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, यहां पर लॉन्ग वीडियो डालना है तो लॉन्ग वीडियो का ऑप्शन आ चुका है, शॉर्ट वीडियो डालना है तो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन आ चुका है। हमें तो लॉन्ग वीडियो डालना है तो लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करेंगे, इस वाले पोर्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो है यहां पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी नहीं हुआ, अभी यहां पे टाइटल लिखने के लिए YouTube हमें बोल रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए टाइटल कैसे लिखते हैं, आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली टाइटल लिख सकते हैं और आप चाहो तो Y2 Studio से भी यहां पर टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो यहां पर डायरेक्टली अपलोड करूंगा
और मैं कोशिश करूंगा कि वाइट स्टूडियो से क्या लिखूं, टाइटल लिखूं। देखिए अपलोडिंग का ऑप्शन है, लगातार अभी अपलोड हो रहा है। अब आपको क्या करना है, बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपकी अपनी मोबाइल की जो वाइट स्टूडियो है, मोबाइल के अंदर ऐप, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप मोबाइल के अंदर वाइट स्टूडियो ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद यहां पर अंडर प्रोसेस में जो वीडियो है अभी आ जाएगा। देखिए अभी सर्च में जा रहा है, यहां पर शो होने लगेगा जो वीडियो आपने अपलोड किया है। चूंकि इनके चैनल पर अभी सिंगल भी वीडियो नहीं है, इसलिए यहां पर इनका जो वीडियो है वो नहीं आ रहा। देखिए यहां पर आ चुका है, फिलहाल देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपलोडिंग का जो ऑप्शन है वो यहां पर आ चुका है। जैसे ही अपलोडिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहीं से आप अपने वीडियो के अंदर थंबनेल लगा पाएंगे, टाइटल लिख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे और टैग भी लगा पाएंगे। मतलब पूरी वीडियो का जो एसईओ है वो यहीं से आप कर पाएंगे, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको थंबनेल लगाना है। अब देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्लस वाला, ये जो पेंसिल वाला आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते तो आपके सामने इससे ये जो ऐप है काफी सारे ऑप्शन दे देता है एडिटिंग करने के लिए, मतलब एसईओ करने के लिए। समझ में आ रहा, एसईओ करने के लिए। तो जैसे मैं यहां पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करता हूं, देखिए यहां पर टाइटल का ऑप्शन आ चुका है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ चुका है, और यहां पर जो प्लेलिस्ट है उसका भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, फिलहाल मुझे सबसे पहले क्या लगाना है, थंबनेल लगाना है। तो उसके लिए मैं ये जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कस्टम थंबनेल का नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कस्टम थंबनेल पर आप क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आप फाइल मैनेजर में चले जाते हैं, और यहां पर आपने पहले से जो थंबनेल बनाकर रखा है उसको यहां पे क्या करना है, लगाना है। पहले आपको थंबनेल बनाना है, उसके बाद वीडियो एडिट करना है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो मुझे ये वाला थंबनेल लगाना है, हालांकि मैंने ये बनाया नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं आपने यहां पे ये वाला थंबनेल है वो बना लिया है। तो इस पर आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक करना है, और सेम वाला अपने स्क्रीन पर आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, तो ये थंबनेल यहां पे सेव हो जाता है। हालांकि ये थंबनेल न्यूज 24 स्पोर्ट्स का ये मत लगा देना आप, ठीक है, ये मैं तो डेमो के लिए दिखा रहा हूं, फिलहाल आप समझ रहे होंगे आपको अपना थंबनेल यहां पे लगाना है। देखिए थंबनेल यहां पे आ चुका है। थंबनेल आने के बाद ये पहला स्टेप होता है वीडियो अपलोड करने के बाद, एसईओ का फर्स्ट स्टेप है। अब फिर से हमें कुछ यहां पे एसईओ करना है, फिर से हम पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहां पर टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइटल। अब देखिए टाइटल कैसे लिखना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पे थंबनेल में यहां पे लिखा हुआ है आईपीएल की विराट रिकॉर्ड से सिर्फ इतने रन दूर कोहली, यानी कि यहां पे न्यूज 24 स्पोर्ट्स अब क्या दिखा रहा है कि विराट कोहली अपने विश्व रिकॉर्ड से इतने रन दूर है। तो यहां पर इस प्रकार ही हमें टाइटल लिखना है। टाइटल और थंबनेल आपका मैच करना चाहिए, जितना ज्यादा आपको क्लिकेबल थंबनेल होगा उतना ही क्लिकेबल आपका टाइटल भी होना चाहिए, और मैच भी करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। ऑडियंस सब समझती है कि आपने टाइटल क्या लिखा है और थंबनेल क्या लिखा है। तो हम टाइटल लिखेंगे, जस्ट इसके टाइटल में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे आईपीएल, आईपीएल यहां पर लिखेंगे आईपीएल, उसके बाद के, हिंदी का कैसे होता है इसमें, इसको दबाने के बाद इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में ही होता है क्या, कैसे होगा, एक मिनट, अच्छा हिंदी का ऑप्शन इसमें दिया हुआ, ओके इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो यहां पे ये आ चुका आईपीएल के, या आईपीएल के विराट, यहां पे लिखूंगा मैं विराट, आईपीएल के विराट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यहां पे सेम टू सेम वही चीज लिखना है, रिकॉर्ड से सिर्फ इतने रन दूर, इतने रन, एक मिनट, इतने रन कहां हैं भाई, रन, इतने रन दूर। देखिए यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सेम टू सेम हम लिख रहे हैं, जैसा कि आपका थंबनेल है वैसा ही हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, टाइटल लिख रहे हैं। लेकिन मेन आधा टाइटल आपका सेम मैच करना चाहिए थंबनेल और आपका टाइटल। अब आपको आधा जो टाइटल है वो सर्चेबल लिखना है, जो कि सीरीज से रिलेटेड है। जैसे कि मान के चलो ये जो मैच है वो आरसीबी और सीएसके के बीच में है, तो मैं यहां पे सीएसके हाईलाइट लिखूंगा आईपीएल 2024 की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर जाऊंगा और बीच में एक डंडा लगाऊंगा, ये वाला, ये लगा दिया। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सीएसके हाईलाइट, सीएसके हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट्स इतना लिखूंगा, सीएसके हाईलाइट्स, या फिर आईपीएल
CSK IPL 2024 CSK हाइलाइट्स, इतना मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए आईपीएल 2024 CSK हाइलाइट्स क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर जो क्रिकेट के फैंस है वो CSK के हाइलाइट्स 2024 के देखना चाहेंगे। जैसे मान के चलो कल CSK हाइलाइट्स CSK का मैच है वो कंप्लीट हुआ है, काफी सारे लोग हैं जिनको मैच देखने का टाइम नहीं मिला, तो वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे हाइलाइट देखना पसंद करेंगे। तो सर्च क्या करेंगे, वो CSK हाइलाइट 2024 सर्च करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो यहां पे CSK हाइलाइट 2024 यहां पे हम लिखेंगे, लिखने के बाद सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपका दो काम हो गया, पहला तो आपने वो चीज लिख दिया जो कि ट्विस्टेबल है, आईपीएल के विराट रिकॉर्ड से सिर्फ इतने रन दूर। इसका मतलब ये कि आपने लोगों को एक सस्पेंस दे दिया, एक क्लिक कर दिया कि कितने रन दूर है, एक मन के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। दूसरा आपने दूसरे यहां पर टैग वो डाल दिया जो कि लोग सर्च करते हैं, तो एक तरह से हमारा क्लिकेबल भी टाइटल हो गया और सर्चेबल भी हो गया। हमारे वीडियो में क्या होना चाहिए, क्लिकेबल भी होना चाहिए टाइटल और सर्चेबल भी होना चाहिए। यदि क्लिकेबल और सर्चेबल नहीं हुआ तो फिर ना ही तुरंत वीडियो पर व्यूज आएंगे और ना ही बाद में सर्च के द्वारा आएंगे, तो दोनों पर हमारा व्यू आना कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारा टाइटल, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो सेम टू सेम हमने यहां पर टाइटल लिखा है इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी किया उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसको यहां पर जस्ट पेस्ट किया, देखिए पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट। उसके बाद अब यहां पे हम कुछ सर्चेबल टैग लगाएंगे। सर्चेबल टैग कैसे, जैसे मान के चलो आईपीएल से रिलेटेड, तो यहां पे आप लगा सकते हैं आईपीएल हाइलाइट्स 2024, क्योंकि ये चीजें जो ऑडियंस होती है वो सर्च करती है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा आईपीएल 2024 हाईलाइट। ठीक है, आईपीएल 2024 हाईलाइट्स ऐसे भी सर्च करेंगे, उसके बाद आईपीएल 2024 हाईलाइट्स, एक मिनट, हाईलाइट आईपीएल 2024 हाईलाइट्स करेंगे, और उसके बाद CSK आईपीएल 2024 हाईलाइट। इस प्रकार के कुछ सर्चेबल यहां पे क्या देंगे, हम सर्चेबल टैग देंगे। यहां पे लगभग कम से कम हमें 30 से 40 सर्चेबल टैग देने हैं। ये क्या होता है, वीडियो को सर्च में लाने में काफी मदद करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहां पे हम कुछ हैशटैग भी देंगे। यहां पे हैशटैग करने के बाद CSK यहां पे लिखेंगे, तो जैसे CSK आ जाएगा यहां पे हम क्लिक कर देंगे। यहां पर लगभग हम 15 हम हैशटैग लगाएंगे आईपीएल 2024। कहां है आईपीएल 2024, नहीं आ रहा है, आईपीएल लिख देंगे, फिर से हम यहां पे हैशटैग लगाएंगे। तो इस प्रकार कुछ हमें आईपीएल से रिलेटेड कुछ हैशटैग लगाने हैं जो कि करंट में चल रहे हैं, और एक दो हैशटैग यहां पे अपने चैनल से रिलेटेड लगाने, जैसे इनके चैनल का नाम है देवू क्रिकेट, तो मैंने यहां पे देवू क्रिकेट के नाम से यहां पे हैशटैग लगा दिया। तो लगभग 15 के आसपास आप हैशटैग लगा सकते हो। सर्चेबल जो टैग है वो लगभग आपको 30 से लेकर 40 लगाने हैं। उसके बाद यहां पर सेबल आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं है, केवल समझाया है। ठीक है, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा, मैं पूरा चीज लिखूंगा। उसके बाद अब आपको लगाना है टैग। टैग कैसे लगाओगे, पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक आपको करना है। नीचे की साइड में ये जो यहां पर टैग ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एड टैग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर क्या लगाओगे, यहां पर डायरेक्ट आप क्या करोगे, इंग्लिश में अपने उसको कीबोर्ड को कर लोगे, यहां पर आईपीएल 2024 ये हुआ नहीं है क्या, एक मिनट, इंग्लिश में तो हो गया है, अच्छा सेटिंग से होता है। चलो, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहां पर टैग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आईपीएल का टैग लगाएंगे। आईपीएल का टैग लगाने के बाद इसमें और टैग ऐड करेंगे, जैसे कि लोग सर्च कर सकते हैं आईपीएल 2024 यहां पर हाईलाइट। तो मैं यहां पर आईपीएल 2024 हाईलाइट, जिस जिस तरीके से जो लोग हैं वो सर्च कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं यहां पर क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा आईपीएल 2024 हाईलाइट टुडे, ऐसे भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है, लाइव आईपीएल 2024 ऐसे भी लोग यहां पे सर्च करते हैं, तो वो भी चीज मैं यहां पे सर्च कर लूंगा। ठीक है, मतलब जिस जिस तरीके से लोग यहां पे सर्च कर सकते हैं लाइव आईपीएल
24 इस तरीके से भी लोग सर्च करते हैं। तो जिस जिस तरीके से लोग सर्च करते हैं वो सारे के सारे यहां पर टैग डाल दूंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो टैग है वो और अच्छे तरीके से कैसे सर्च करें, तो उसका भी एक तरीका यहां पर आपको सेव कर देना है। आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यूट्यूब की एप्लीकेशन में जाना है, जाने के बाद इसके सर्च बार में जाना है, उसके बाद आईपीएल 2024 ठीक है ये यहां पर सर्च करना है, और उसके बाद यहां पर हाईलाइट भी यहां पर लिख सकते हो। अब देखिए जिस जिस तरीके से जो लोग हैं वो सोच सकते हैं और सर्च करते हैं वो सारे के सारे सर्चेबल टैग ही आ चुकी है। ये सर्चेबल टैग आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो, ये सर्चेबल टैग आप वीडियो के टैग सेक्शन में भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया, ये सारे के सारे टैग लगाने हैं। अब देखिए आपका जो वीडियोज है यहां पे हम बैक जाएंगे, वाइट स्टूडियो ओपन करेंगे, यहां पे फिर से देखिए जो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका टाइटल लिख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता ही दिया, उसके बाद यहां पर सर्चेबल टैग है वो ये लगाने, और मैंने अभी बताया यूट्यूब पर सर्च बार में जाके वो यहां पर लगा आपको लगा देना, बस इतना करना है। इतना करने के बाद यदि आप एक नए यूट्यूबर है तो एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कैटेगरी यहां पर है, यदि आपका क्रिकेट का चैनल है तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी ही यहां पर रखनी है। नहीं देखिए यहां पर काफी सारी कैटेगरी आती हैं, आप कौन सी कैटेगरी रखेंगे, स्पोर्ट की कैटेगरी रखेंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई जो हमारा जो चैनल है वो क्रिकेट का चैनल है, वो स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे एक तरह से चैनल आते हैं, तो भाई देखो क्रिकेट भी स्पोर्ट का ही सब कैटेगरी है, समझ में आ रहा है, तो हमें क्या रखना है स्पोर्ट ही कैटेगरी रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पूरा आपका एसईओ हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, विजिबिलिटी पर जाना हो, यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके सेव कर देना, आपका जो वीडियोस है वो पब्लिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बस इतना सा है। अब बताइए मुझे कोई दिक्कत है आपको, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं मेरे समझ में आ गया पूरा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि इनको पूरा समझ में आ गया होगा। एक नए नवेले यूट्यूबर हैं, ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है नहीं, फिलहाल इनके चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ग्वालियर से मिलने के लिए आए हुए थे, चूंकि मेरे पास आए तो मुझे इनका हेल्प तो करना है, आप भी मेरे पास मिलने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि इनकी मैंने हेल्प की है वैसे आपकी भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कोई हेजिटेशन के आप आ सकते हैं। मेरा जो पूरा एड्रेस है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को मैं को देखने के बाद आपकी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।